हमीरपुर में पुलिस और होमगार्ड की गुंडागर्दी देखने को मिली है, जिसमें वन वे का उल्लंघन कर गांधी चौक पर आप पहुंचे स्कूटी सवार युवक को होमगार्ड ने न केवल थप्पड़ जड़ दिया बल्कि उसी के हेलमेट से मुंह पर वार किया, जिससे युवक लहूलुहान हो गया। होमगार्ड की इस हरकत पर चौक पर लोगों का जमघट लग गया और जमकर हंगामा लोगों और पुलिस के बीच हुआ। बता दें कि हमीरपुर बाजार में वन वे होने के कारण नीचे से ऊपर की ओर गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल बंद रहती है, लेकिन सुबह के समय चंडीगढ़ से किसी काम से आए हुए युवक साहिल ने वन वे का उल्लंघन करते हुए नीचे बाजार से स्कूटी गांधी चौक तक ले आया, जिसे ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड तिलक ने रोका और गुस्सा दिखाते हुए थप्पड़ जड़ दिए और हेलमेट छीनकर युवक के सिर पर दे मारा, जिससे युवक के सिर और नाक से खून बहने लगा। इतने में चौक पर भीड़ जमा हो गई और बाद में युवक ने होमगार्ड की लिखित शिकायत भी पुलिस थाना में की। युवक साहिल ने बताया कि वन वे होने का पता नहीं था और अचानक ही चौक पर होमगार्ड ने रोक कर मारपीट की। उन्होंने कहा कि इस तरह पुलिस की कार्रवाई से हैरान हैं। मैं नीचे से आ रहा था तो मैंने देखा नहीं, यहाँ पे खड़े थे वो, एकदम वहाँ से आगे आए तो मेरे से ब्रेक नहीं लगी, वो धीरे धीरे लगी तो उनके जर से पैर पे लग गई, तो उन्होंने सीधा खड़ा किया और थप्पड़ थप्पड़ मारने पड़ गए। हेलमेट मारो, ये हेलमेट भी टूटा है, देखो कहाँ लगी, मेरे नाक पे लगी और ससुर पे पीछे मारी इन्होंने, वो खून भी निकला, ये देखो हाथ में भी लगा। आपको पता नहीं था वन वे? आप ना, मेरे को नहीं था पता, ये आपको रोक कर, मैं यहाँ का लोकल भी नहीं हूँ ना। कहाँ के रहने वाला? मैं तो सुजानपुर का रहने वाला हूँ पर मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, तो मैं यहाँ पे भाई के पास आया हुआ था तो उससे स्कूटी लेके ऊपर रूम पे जा रहा था मैं। जब मैं, वो चलो मेरी भी गलती है, मैं गलत रास्ते से आया, मेरे को पता नहीं था, पर उनकी ज्यादा गलती है पुलिस वालों की। क्या आपको क्या बोल रहे? पुलिस वो तो बोल रहे थे चलान चलून कटेगा चौकी पे चलो, पर अभी केस कुछ करूंगा मैं, फिर मेडिकल वगैरह करवाऊंगा। वहीं ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड तिलक ने अपना पक्ष रखते हुए पहले तो सारी घटना पर माफी मांगी और कहा युवक ने वन में आकर उसके पैर पर स्कूटी को चढ़ा दिया था, वहीं थप्पड़ मारने और हेलमेट से मारने की बात को होमगार्ड ने सिरे से नकार दिया। ये सर नीचे से आ रहा है, नो एंट्री है ऊपर वाले नो, तो ये ऊपर आए, मैं इसको, मैं वहाँ खड़ा था, मैं ऐसे ऐसे किया तो ये आया नहीं, ये रुका नहीं, जब मैं आगे हो गया तो इसने मेरे ऊपर ही चढ़ा दी। आपने सर थप्पड़ मारा, हेलमेट से मुंह में मारा? नहीं नहीं, हेलमेट तो मैंने नहीं मारा सर, खून मैंने हाथ से जरूर 2000 थप्पड़ मारे, बाकी कुछ नहीं हुआ। हेलमेट भी टूटा हुआ है? नहीं नहीं सर, मैं ऐसा मैं तोड़ना थोड़ा है हेलमेट, सॉरी सर गलती होगी। गौरतलब है कि इस तरह से लोगों की रक्षा करने वाले पुलिस और होमगार्ड की गुंडागर्दी से शहर के सभी लोग हैरान हैं और लोगों ने इस तरह की कार्यप्रणाली की कड़ी निंदा की है।